ये मेरे हाथ में है रियलमी X2 का 4GB 64GB वाला वेरिएंट, और इस वेरिएंट के साथ मैं पबजी प्ले कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने पबजी को डाउनलोड कर रखा है, और पबजी जब ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट हाई ग्राफिक्स में था। तो इसके बाद मैंने देखिए पबजी को ओपन करता हूँ, तो आप इसके बाद खुद देख लीजिएगा कैसा ये पबजी गेम प्ले करता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं इधर कोई बैटरी सेवर ऑन नहीं किया हुआ है, ये बाई डिफॉल्ट बैटरी सेवर में चल रहा है और मेरे वाईफाई पे भी चल रहा है। तो ये देखिए आप जो बैटरी है करीब 89% तक बैटरी है, और अब मैं जो गेम स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखिए 89% बैटरी और फोन बिल्कुल हीट नहीं हुआ है। तो मैं पहले आपको लोगों को ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो इधर देखिए मैंने HD और हाई पे खेल रहा हूँ, और इस फोन के लिए दोस्तों आप स्मूथ और अल्ट्रा खेल सकते हैं, या फिर बैलेंस और अल्ट्रा खेल सकते हैं, या फिर HD और हाई खेल सकते हैं। तो मैं HD हाई और कलरफुल खेल रहा हूँ। तो देखिए मैं दोस्तों मैंने इस गेम को स्टार्ट करता हूँ और ये खेल के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे गेम प्ले दोस्तों ये करता है। तो मैं जैसे कि मेरे हाथों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और गेम प्ले कर रहा हूँ, इसलिए मेरा गेम प्ले इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखते रहिए ये गेम कैसा होता है, ये गेम लैग करता है या फिर नहीं करता है, स्मूथली चलता है कि नहीं चलता है, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा, गेम प्ले पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। दोस्तों गेम हो गया स्टार्ट, तो आइए देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। Team match, let's go. तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इधर ठीक ठाक से खेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो भी बना रहा हूँ उसके साथ खेल भी रहा हूँ। तो HD जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के साथ ये वीडियो ये गेम प्लेएबल है, लेकिन दोस्तों आप अगर एक अच्छा प्लेयर हो और चाहते हो कि आपको FPS ना गिरे, तो आपको मेरे हिसाब से इस फोन के साथ दोस्तों HD में नहीं खेलना चाहिए। आपको इधर और भी लो हाई ज़्यादा FPS चाहिए तो दोस्तों आपको HD से इधर दोस्तों डाउन करना पड़ेगा। HD में आपको करीब 30 से 35 तक FPS तक मिल जाएगी, लेकिन ये एक प्रो गेमर के लिए अच्छा नहीं है। और आप जब प्लेन से लैंड करेगी या फिर बहुत सारे एनिमी के अंदर जाएगी, तो अब दोस्तों इसका फ्रेम रेट और भी गिर जाता है, करीब 20 से 25 FPS के आसपास हो जाती है। इसीलिए आप अगर एक प्रो गेमर हो तो आपके लिए HD ग्राफिक्स बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो दोस्तों आइए इसके साथ चेक करते हैं ग्राफिक्स चेंज करके। तो देखिए ग्राफिक मैंने आप बैलेंस और अल्ट्रा में रख दिया, तो इसके बाद मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों तो ग्राफिक्स का क्वालिटी थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन आइए देखते हैं इस बार कैसा गेम प्ले आपको देखने का मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आप खेल रहा हूँ दोस्तों बैलेंस में, और बैलेंस में अल्ट्रा में खेल रहा हूँ। ये गेम प्ले भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ। देखिए आप कोई भी लैग नहीं, इधर कोई भी फ्रेम ड्रॉप भी मेरे को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम ये होता है कि जब बहुत सारे एनिमी आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप आपको इधर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप HD में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन बैलेंस में आसानी से खेल सकता है। लेकिन आप अगर और भी स्मूथ गेम प्ले चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप बैलेंस में भी ना खेले, आप स्मूथ और एक जो अल्ट्रा है इसे ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके बाद मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, चेंज करके देखता हूँ थोड़ा बहुत इधर चेंजेस देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों इसे बैलेंस है, बैलेंस में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक प्रो प्लेयर के लिए इतना अच्छा काफी नहीं है, और भी स्मूथ चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं आपको इधर सेटिंग चेंज करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ उसके बाद दोस्तों गेम प्ले कैसा होती है। तो दोस्तों मैं आप ग्राफिक्स चेंज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ग्राफिक्स चेंज करके मैं आप स्मूथ और एक्सट्रीम और अल्ट्रा में रख दिया था, इसमें आपको एक्सट्रीम का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर जो ऑडियो है इधर दोस्तों आपको अल्ट्रा ऑडियो भी नहीं मिलता, आपको सिर्फ हाई तक ही मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इधर स्मूथ और अल्ट्रा में ट्राई करके देखते हैं, और ट्राई करने के बाद फिर पता लगाते हैं कि कैसे आप परफॉर्म करता है। तो दोस्तों मैंने आपको HD पे खेल के दिखाया, उसके बाद बैलेंस में भी खेल के दिखाया, अब मैं इधर दोस्तों स्मूथ में खेल के दिखा रहा हूँ। आप देखिए गेम कितना अच्छा स्मूथ चल रहा है, और मेरे ख्याल से आप लग रहा है ये एक प्रोफेशनल पबजी प्लेयर की तरह ही चल रहा है, और ये आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। आप अगर प्रोफेशनल पबजी प्लेयर है तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं और इस फोन के साथ खेल भी सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा और शानदार गेम प्ले इधर आपने को देखने को मिलता है, एक प्रोफेशनल जैसा गेम प्ले इधर आपको देखने को मिलता है। आप आसानी से बहुत अच्छा अच्छे तरह से दोस्तों इधर गेम खेल सकता है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इस गेम चल रहा है, गेम में कोई लैग भी नहीं आपको दिख रहा है।
तो आप अगर एक प्रोफेशनल है तो दोस्तों आप जरूर इस फोन को ट्राई कर सकता है। और मेरे पास जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, तो आपको अगर और भी ज्यादा मल्टीटास्किंग करना है तो दोस्तों आप 6GB वाला या फिर 8GB वाला वेरिएंट भी चूज कर सकते हैं। इससे कि दोस्तों आपको मल्टीटास्किंग और भी बेहतरीन होगा और आप अगर बैकग्राउंड में कोई एप्स रनिंग करता है तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों 730G एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, तो आप अगर और भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा गेमिंग चाहते हैं तो थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करके आप K20 Pro भी ले सकता है। लेकिन अगर आपको टाइट बजट है और अंडर 20 आप एक फ़ोन चाहते हैं जो कि आप पबजी गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप 100 times ये फ़ोन ले सकते हैं। ये फ़ोन बहुत अच्छा है। तो मेरे को करीब 10 से 12 मिनट में दोस्तों करीब 3% के चार्ज गिरा हुआ है, तो आप आसानी से इसे आप तो देख सकते हैं कि कितना सारा चार्ज आपको गिरने वाला है। और इसके साथ जो बंडल चार्जर है, चार्जर भी बहुत अच्छा है, करीब 1 घंटे में आपको फुल चार्ज हो जाती है। तो इसके साथ आपको कैसा लगा पबजी गेम प्ले हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उसके साथ वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप अगर इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो आप जाए तो उस लिंक से परचेस कर सकता है। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके साथ मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।